जय सुन वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पौड़ी पटेकियां वडियाईयां किस कहना कह न जाए सो करता कादर करीम दछियां रिख संभाहे साई कर कमावनी तुर छोड़ी तिनै पाए नानक एकी बारी हो दूजी नाई जाए सो कर जित सहर जाए सो कर जित सहर जाए सुख तेग बहादुर सिमरिया तेग बहादुर सिमरिया कर नाउ नित आवे थाए सब थाई हो सहाए तेग बहादुर तेग बहादुर सिमरिया तेग बहादुर सिमरिया। राम कली महला तीजा आनंद को अंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया पाया सहसिया राग रतन परवार परिया शब्द गावने आईया कह नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया मन मेरा तू सुधारो हर नाल हर नाल हो तू मन मेरे दुख सब विसारना करो करे तेरा कर सब सवार नागला समर्थ स्वामी सो क्यों मनो विसारे नानक मन मेरे सुधारो हर नाल साचे साहेबा क्या नहीं कर तेरे तेरा सब कुछ है कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं घर तेरा सच्चा नाम मेरा आधार नाम आधार मेरा दिल भुखा सब दीवार साथ चुप मन वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया कह नानक सुनो संतो सब तरो प्यारो साचा नाम मेरा आधार वाजे हर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर धारिया गुरकार पाया तू जिन को से नाम हर के लागे अनथ नवड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे गुरु संता पुत्र सोनी सच्ची पानी सजन पे सच्चे पूरे गुते जाने सुनते पुनीत कहते पुरत सतगुरु रहे या पर पूरे बिनवंत नान गुरचरण लागे वाजे मन हज पूरे। श्लोक पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत दिवस रात दोय दाई दाया खेले सगल जगत चंगे आईया बुरे आईया वाचे धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम थे आया गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्री वाहिगुरु जी एक ओंकार सत नाम करता पुरख निरपहो निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चक्र चहन अर बरन जात
अर पात नहन जेहे रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत केहे अचल मूरत अनपहु प्रकाश अमितोज कह जय कोट इंद्र इंद्राण सहे सहन गण जय त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बान तृण कहत त्व सर्व नाम कथय कवन कर्म नाम बरनत सुमत और तार विचार मुरारु रमो राम मन मोहन नाम जपिने अदृष्ट अगोचर अपरंपर स्वामी गुरपूरा प्रगट कर दीने राम पारस चंदन राम पारस चंदन हाम काष्ट लोष्ट हर संग हरि सत संग पहे हर कंचन चंदन कीने नव छे खट बोलह मुख अगर मेरा हर प्रभ एव नापति ने जान नानक हर हृदय सद त्याव हो यों हर प्रभ मेरा पीने जान नानक हर हृदय सद त्याव हो यों हर प्रभ मेरा पीने हम अव गुण परे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिख बिख खाई माया मोह परम पै भूले सुत धारा स्यों एक उत्तम पंथ सुन्यों गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास सुख टल गुर सेविया अहनस सहज दर्शन परसे गुरु का जन्म मरण दुख होवे सिफ दुख समदी नूर अरसों कुरसों तुद डठे सच्चे पात शाह मल जन्म जन्म दी कटी सज्जन सच्चा पात साहु सिर साहो जिस पास बैठिया सोही सबना दावेसाहो सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी राम कली महला तीजा भगत खजाना गुरमुख जाता सतगुर बूझ बुझाए संत हो
गुरमुख दे वडियाई। भगत खजाना गुरमुख जाता, सतगुर बूझ बुझाई। संतो गुरमुख दे वडियाई, रहाओ सच रहो सदा सहज सुख उपजै। काम क्रोध विच हो जाई, आप छोड़ नाम लिव लागी। ममता शब्द जलाई, जिस ते उपजै तिस ते बिनसै। अंते नाम सखाई, सदा हजूर दूर नह देखो। रचना जिन रचाई, सच्चा शब्द रवे कट अंतर। सच्चे स्यो लिव लाई, सत संगत मह नाम निर्मोलक। वड़े पाग पाया जाई, सच्चा शब्द रवे कट अंतर। सच्चे स्यो लिव लाई, सत संगत मह नाम निर्मोलक। वड़े पाग पाया जाई। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जगत गुरु आद गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पवित्र पावन हजूरी च सुभाए मान जुड़ बैठी गुरु की साजी और नवाजी हुई। गुरु का खास रूप गुरु खालसा सात संगत जीओ तंता दे पात्र हो। अमृत वेले तो सतगुरु नौवें पातशाह दे पवित्र पावन दरबार विच हाजरियां भर के अपने जीवन दियां घड़ियां गुरु लेखे ला के सफला कर रहे हो। साध संगत स्थान जगमग नूर है, इत्थे ज्ञान दा नूर है, इत्थे सतगुरां दे शब्द दा प्रकाश है। जिथे सतगुरु जी ने उत्थे सतसंगत है। साढ़े वड्डे भाग ने कोई पूर्वले जन्मां दे चंगे कर्म जागे हन, गुरदेव दे पवित्र चरणां विच सानू सारिआं नू जुड़ बैठण दा इह सुभाग समां प्राप्त हो रिहा है। अमृत वेले तख्तां ते प्रकाशमान हो के समुची लोकाई नू ठारन वास्ते जो पावन पवित्र उपदेश तीसरे गुरदेव धन धन श्री गुरु अमरदास साहिब जी महाराज जी ने बख्शिश कीता है, पावन उपदेश भाई साहब जी दी रसना तो आप सारिया ने सरवण कीता है। आओ मन बिरतियां एकागर करिए। कनहर बूंद बसोरो मावल, कुसुम बसंत गणंत ना आवै। रब सस किरण उधर सागर को, गंग तरंग अंत को पावै। रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के, कवजन पल उन्हें जो गावै। भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बन आवै। सतगुरु श्री गुरु अमरदास साहब जी दे पवित्र के परमेश्वर दी भगती एक खजाना है।
ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਝੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੀਰੇ ਦੀ ਕਦਰ ਜੌਹਰੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਹੀਰਾ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਕਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੱਚ ਹੈ, ਚਮਕਦਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਧੇ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਹੀਰੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਦਰ ਨੂੰ ਜੌਹਰੀ ਜਾਣਦਾ। ਪਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੈਸੀ ਬਰਕਤ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਾਣਦਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਤਾ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ, ਗੁਰੂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੁਝਾਈ ਹੈ, ਜਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ 'ਚ ਸੰਤੋਖ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਖਿਮਾ ਆਦਿਕ ਜਿਤਨੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਬੁਝਾਈ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੁਝਾਈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੁਝਾਈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਣਾਈ। ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਝ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਕੀ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਮਰਪਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਆਹ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਰਵਣ ਭਗਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਗੇ ਬਿਲਾਵਲ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਭਗਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦਾਸਾ ਭਾਵ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਜੂਠੇ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਣ ਦੀ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦਾਸਾ ਭਾਵ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਭਗਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਰਪਣ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਇਸ ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਅਵਸ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੁਝਾਈ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਤੋ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਵਡਿਆਈ। ਇਹ ਸਤਸੰਗੀਓ ਸੁਣੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਓ ਸੱਚ ਰਹੋ ਸਦਾ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਉਪਜੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਈ। ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ, ਸੱਚ ਰਹੋ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ, ਸਦਾ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਉਪਜੈ, ਫਿਰ ਸਦੈਵ ਹੀ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਪਜੇਗਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ।
जदों सहज दा सुख प्रगट होवेगा उस वक्त काम क्रोध आदिक जिहड़े विकार ने अंदरों चले जाणगे। नहीं तां बेनतियां करो अपने मालक दे चरणां विच, टोडी महला नावां, कहो कहां अपनी अदमाई। हे प्रभु, मैं अपनी नीचताई कित्थों तक दसां भी मैं किन्ना नीच हाँ। उरज्यो कनक कामनी के रस नह कीरत प्रभ गाई। मैं अनक प्रकार दे विकारां विच कनक सोना कामनी स्त्री उहदे रस विच उलझिया होया हाँ। हे वाहिगुरु, मैं तेरी कीरती नहीं गाई, तेरी वड्याई नहीं गाई, मैं अपनी नीचताई कित्थों तक दसां। जदों जग्यासू इस तरह बेनतियां करता है तां फिर वह सच च समाउंदा है, फिर उहदी सच विच समाई हुंदी है, फिर वह सदा वास्ते सहज सुख नूं माणदा है और उहदे हिरदे चों काम क्रोध आदिक विकार जिहड़े हन ये चले जाते ने, बिनस जाते हैं। आप छोड़ नाम लिव लागी ममता शब्द जलाई। महाराज जी कहिंदे जिन्हां ने अपना आपा छड़ दिता है, अपने आपे नूं त्याग दिता है, अपना आपा छड़ के नाम दे विच जिन्हां दी लिव लग गई है, आपा छड़ के नाम च लिव लगी, क्योंकि जदों तक आपे की सिमरती है उदों तक नाम की सिमरती नहीं है। जदों आपा भुलेगा तदे नाम च सुरत। महापुरश तो कहिंदे आ नाम जपो, जपद्यां जपद्यां आपा भुल जाए मैं की हाँ, अपना बाहरला वजूद भुल जाए, केवल अंदर की सुरत। जिन्हां ने अपना आपा छड़ के नाम दे विच लिव लाई ते नाम च लिव लग गई है, जिन्हां दी ममता शब्द जलाई, उन्हां ने सतगुरां दे शब्द द्वारा अपने हिरदे विच उठने वाली जितनी भी ममता बिरती सी उन्हूं जला के साड़ के सुआह कर दिता। ममता शब्द जलाई, सतगुरां दे शब्द नाल अपने अंदर दी सारी ममता नूं मैं मेरी नूं जला के राख कर दिता। जिस ते उपजै तिस ते बिनसै अंते नाम सखाई। जिस अकाल पुरख दे हुक्म दे विच जीव उपजदा पैदा हुंदा, जदों दा हुक्म होया ते जीव दा जन्म होया, उहदी आग्या उहदे हुक्म तों बिना इस जीव दा जन्म नहीं हो सकदा। साडा सारिआं दा जन्म परमेशर दे हुक्म विच होया, अकाल पुरख दी आग्या विच होया। जदों हुक्म होया ते इह उपजिआ, जदों हुक्म होणा है उदों इहने बिनस जाणा, जां सद्दे तां ऊठ सिधासा है, जदों सद्दा आउणा फिर इहने जाणा है, जदों हुक्म होया उदों बिनसणा भी है। जिस दे हुक्म नाल पैदा होया उसे दे हुक्म दे विच इसने बिनसणा। जिस ते उपजा तिस ते बिनसै, उसे दे हुक्म दे विच ही इसने बिनसणा जिस तों पैदा होया। फिर गरीब नवाज साहब जी फरमाउंदे है, ए बंदिया तू गल याद रखी कि जदों तू बिनसणा है उस दे हुक्म विच, उस वेले अंत समय तेरा किसी ने भी सखाई नहीं होना। अंते नाम सखाई, उस वक्त अगर तेरे नाल किसी ने निभना तो वह अकाल पुरख वाहगुरु परमेश्वर का नाम है, जिन्हें तेरा सखा बन के तेरी सहायता करनी। बिना निरंकार अकाल पुरख परमेश्वर के नाम तो तेरी किसी ने भी सहायता नहीं करनी। अंत वेले केवल अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर दा नाम ही तेरा सखाई होवेगा। सदा हजूर दूर नह देखो रचना जिन रचाई। वाहिगुरु नूं सदा ही हाजर हजूर वेखो, सदा हजूर, वह सदा ही हाजर है।
दूर न देखो ओनू दूर ना जाण्यो भाई वो हाजर हजूर है तेरिया अखां तेरे नेड़े ने पर वो तेरिया अखां तो भी वध तेरे नेड़े है अखां दे अंदर बैठा है तेरे हाथ तेरे शरीर दे नेड़े ने पर वो तेरे ना हत्थां तो भी तेरे नेड़े है उनू दूर ना जानी वो हर वेले तेरे नेड़े है सदा हजूर हाजर हजूर है दूर नह देखो उनू दूर ना वेखी रचना जिन रचाई आ जड़ी सारी रचना उसे दी रची हुई है जिस दी रची हुई है सारी रचना उनू दूर ना जानी वो सदा ही तेरे हजूर है सदा ही तेरे कोल है तेरे तो वख नहीं बुलिया शहो तेरे तो वख नहीं पर तेरे कोल वेखण वाली अख नहीं तेरे तो दूर नहीं है बस फर्क इन्ना ते के तेरे कोलो अखा नहीं हन जिन्हां अखा नाल तू उस नूं वेख सकदा वो अखा तेनू गुरु ने बख्शनियां वो अखा तेनू गुरु ने प्रदान करनियां गुरु ने जदों तेनू ज्ञान रूपी ऐनक लाउणी है ना ते फिर तेरिया अखा दे विच जिहड़ा अंधकार है वह दूर होना ते फिर उस वाहिगुरु ने तेनों नजरी आना पातशाह फरमाउंदे आ वह सदा ही हजूर है हजूर कत दूर बताव क्यों बई उहनू दूर क्यों दसदे वो तो हाजर हजूर है कलगीधर स्वामी जी कहिंदे कि हाजर हजूर है कि जाहर जहूर है वो तो हाजरां तो भी वध हाजर है एक असी आस इस वेले एक दूजे दे सामने हाजर हाँ ना कहिंदे इन्हां हाजरां तो भी वध हाजर इन्हां हाजरां तो भी वध हजूर उहदा जलाल उहदा प्रताप प्रगटां विच्चों प्रगट है प्रतख विच्चों प्रतख है उसे दी ये सारी रची हुई रचना है उसे ने सारी रचना रची है रचना जिन रचाई ये रचना जिस वाहिगुरु परमेश्वर दी रचाई हुई है सच्चा शब्द रवै कट अंतर सच्चे स्यों लिव लाई पुछया कि जी उनू किवें वेखीए जिस बारे तुसी कहंदे हो भी सदा ही हजूर है वो दूर नहीं उन्हूं वेखीए किवें तां जवाब दिंदे ने महाराज जी कहंदे हो सच्चा शब्द वाहिगुरु ब्रह्म तुहाडे अंदर वसदा रवै घट अंतर तुहाडे घट शरीर दे अंदर वसदा पर उन्हूं तुसी तां वेखोगे जदों सच्चे दे नाल अपनी लिव लाओगे जदों तुहाडी लिव लगेगी फिर वेखोगे असी रस्ते च टुरे जा रहे होईए किसी चीज़ की किसी दुकान की सानू भाल होवे सानू पता नहीं कि असी वो दुकान कित्थे है सज्जे खब्बे निगाह दड़ाउंदे आ वेखदे आ भी कितें नज़र आवेगी जदों पूरे गौ नाल वेखदे आ तो फिर दिस पैंदी है क्योंकि साड़ी हुण लिव लग गई है कि वह दुकान लभनी ना लभनी होवे उसे रस्ते चो सैकड़े बेरी गुजरदे हैं पता ही नहीं हुंदा इसे तरह वो सच स्वरूप परमेश्वर तेरे अंदर वसदा है पर उनू वेखण वास्ते तेनू एक काम करना पवेगा महाराज जी कहिंदे उहदे नाल लिव लाउणी पवेगी लिव लाण का मतलब हुंदा भी लिव लाणी सुरत जोड़नी सच्चे दे नाल अपनी लिव लाउणी पैणी जिवें भगत ध्रुव की लिव लग गई भगत प्रहलाद की लिव लग गई राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे ये लिव लगनी एदा लिव लाओ एदा जपो जिवें ध्रुव ने जपया जिवें प्रहलाद ने जपया
जदों लिब लगेगी फिर उस सच स्वरूप वाहिगुरु परमेश्वर नूं तू अपने हिरदे च ही वेख लवेगा, तेनू बाहर जा के वेखण दी लोड़ नहीं पैनी, बाहर जा के भटकने दी लोड़ नहीं पैनी, तू उस सच नूं अपने हिरदे च ही वेख लेगा जदों उहदे नाल लिब ला लवे, जदों उहदे नाल सुरत जोड़ लवे। जे लिब नहीं लगी तो कोल खड़ा भी रब नहीं दिसदा, जे लिब लग गई है तो फिर संसार का कोई कोना कोई जगह कोई कण ऐसा नहीं दिसेगा जिहदे विच उहदा प्रकाश ते उहदा नूर नज़र ना आवे। जिन्हां दी लिब लग गई उन्होंने कलगीधर स्वामी दे सन्मुख खलो के आख्या, संसार दे समस्त प्राणियों नूं वेखदिआं होइआ आख्या, हे कलगीधर स्वामी संसार दे जितने प्राणियों विच जिहड़ी रूह है हे गुरु गोबिंद सिंह साहब वो तुहाडी है। रूह हर दर जिसम गुरु गोबिंद सिंह, जिन्ने जिसमां विच शरीरां विच रूह है हे गुरु गोबिंद सिंह साहब वो तेरी रूह है। नूर हर दर चश्म गुरु गोबिंद सिंह, दुनिया दे जितने लोकां दे नेत्रां विच नूर है वो नूर हे गुरु गोबिंद सिंह साहब जी तुहाडा है। जिन्हां दी लिब लगी उन्होंने उस वाहिगुरु नूं सर्व थाई सर्व जगावां विच व्यापक करके वेख लिया, सर्व जगावां विच। इस करके महाराज जी कहिंदे जे तैं वेखणा है उस सच स्वरूप परमेश्वर नूं तां उस सच्चे दे नाल अपनी लिब ला लै। सत संगत मह नाम निर्मोलक वड्ढे भाग पाया जाए। सत संगत विच बेअंत बरकतां ने, आ जिथे तुसी बैठे हो इत्थे बेअंत बरकतां ने। इस सत संगत विच इक बड़ी कीमती वस्तु है जिहदा कोई भी मुल नहीं, महाराज जी कहिंदे ओ है पार ब्रह्म परमेश्वर दा नाम, क्योंकि सत संगत कहिंदे ही उस नूं ने जिथे नाम दी गल होवे। सत संगत कैसी जाणी है जिथे एको नाम वखाणी है, जिथे एक नाम दी गल होवे नाम दी महिमा होवे उहनूं सत संग कहिंदे। सत संगत विच नाम निर्मोलक है, इहदा कोई मुल नहीं है, नाम दी कोई कीमत नहीं। नाम है कि मित, परमेश्वर दे नाम दी जिहड़ी कीमत है मित मर्यादा है वो कही नहीं जा सकती, उहदा मुल आंकिया ही नहीं जा सकता। निर्मोलक अमृत नाम निर्मोलक हीरा गुरदीनो मंतानी, ये अमृत नाम है, ये निर्मोलक हीरा है, इसका कोई मुल नहीं। सत संगत मह नाम निर्मोलक कीमती है निर्मोलक है, वड्डा भाग पाया जाई। जदों भाग वड्डे हुंदे आ ना, भाग वड्डे फेरे नाम दी दात प्राप्त हुंदी है, वड्डिया भागा करके नाम दी दात प्राप्त हुंदी, वड्डा भाग पाया जाई। बिना भागा तो परमेश्वर दे नाम दी प्राप्ति नहीं हुंदी, अकाल पुरख निरंकार परमेश्वर दे नाम दी दात उन्हां नूं प्राप्त हुंदी है जिन्हां दे भाग वड्डे ने। हाँ जी, परमना भूलो हो सतगुर सेव हो मन राखो हो इक ठाई। हे भाई भरम च ना भुले फिरो, आ केड़िया भुलेखिया च भटकते फिरदे हो, केड़े भरमां नूं अपने हिरदिआं विच पाली बैठे हो, बिना गल तो अनेक ही भरम अपने हिरदे च चुकी बैठे हो। राह जांदा कोई बंदा गल कह दे तां सानू भरम पै जांदा, इन्ने साडे कच्चे निश्चे इन्ने साडे कच्चे विश्वास, किसे ने उदा ही कह दिता भी वह जपजी साहब शाम नू नहीं करीदा, उस वेले किसे दी कई गल सुन के भरम च पै गए भी वाकई नहीं करीदा। जपजी साहब ते अठे पैर ही पढ़ सकते हैं,
ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਕੁਝ ਆਖ ਦਿੱਤਾ। ਭਰਮ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਏ ਹੋਏ। ਪਰਸੋਂ 3-4 ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਉਹ 5-4 ਬੱਚੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਾਸੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਚਰਚਾ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ। ਚਰਚਾ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪਾਠ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫਲਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਘਰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕਈਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਮ, ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਪਾਠ ਪੁੱਠਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਚੰਡੀ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਂ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੱਤ ਫਿਰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੱਤ ਫਿਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬੀਰ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਲਟੀ ਹੋਈ ਮੱਤ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਅਕਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਰਮ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਹਨੇ ਕਹੇ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿਹਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਭਰਮ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਰਮ ਛੱਡੋ, ਇਸ ਭਰਮ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ, ਭਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਭਰਮ ਛੱਡ ਕੇ। ਭਰਮ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਭਰਮ 'ਚ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਮਨ ਰੱਖੋ ਇੱਕ ਠਾਈ, ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੰਗਾ ਗਏ, ਗੰਗਾ ਰਾਮ, ਜਮੁਨਾ ਗਏ ਅਤੇ ਜਮੁਨਾ ਦਾਸ, ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਟਿਕਾਣੇ ਦੇ, ਇੱਕ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਜਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮਨ ਟਿਕਾਓ, ਜਿਹਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੱਥ 'ਤੇ ਪਾਏ ਧਾਗੇ ਦਾ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਪੰਡੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੀਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਪੁਖਰਾਜ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਉਂਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੰਡੇ 'ਤੇ, ਜੋਤਸ਼ੀ 'ਤੇ ਰੱਖੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਰੰਗ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖੋ ਬਈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਿਸ਼ਚਾ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾ ਰੱਖੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੋ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਮਨ ਰੱਖੋ ਇੱਕ ਠਾਈ, ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੋ ਮਨ ਨੂੰ, ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਭਜਾਈ ਫਿਰੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜੀ ਆਹ ਹੁੰਦਾ, ਚੱਲੋ ਬਈ, ਮਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਟਿਕਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਿਓ ਸਾਡੇ ਮਨ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਮਨ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਓਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਰਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਕਦੇ ਡੋਲਣ ਨਾ। ਡੋਲਣ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਰੱਖ ਲਿਓ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਕੰਮੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖਣਾ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਹਾਂ।
बुरे भले तुहाडे आ महाराज रखियो। पातशाह कहिंदे मन नूं इक जगह ते टिका के रखो। बिना नावै सब भूले फिरदे बिरथा जन्म गवाए। परमेश्वर दे नाम तो बिना यह सारी लुकाई भुली फिरदी है, यह सारी दुनिया भुली फिरदी है, नाम तो बिना भुली फिरदी है, ते नाम तो बिना इन्हों का जन्म व्यर्थ बीत रहा है। बिरथा जन्म गवाई, परमेश्वर दे भजन तो बिना लुकाई का जन्म व्यर्थ बीत रहा है। जोगे जोगत गवाए हंडे पाखंड जोग ना पाए। जोगियां ने असली जुगत ही छड़ दिती, जड़ी जोगियां दी जुगत सी उहनू गवा के तुरे फिरदे है। पाखंड करके विखावा करके महाराज जी कहिंदे जोग नहीं मिलदा। पाखंड जोग ना पाई, पखंड दे कीतियां जोग नहीं मिलदा। परमेश्वर दा नाम छड़ के जोगी असल जुगत नू गवाई बैठे ने, ते उदा जोगी बन के अपने आप नू हडाउंदे असी जोगी हां। महाराज जी कहिंदे विखावे नाल पखंड कीतियां जोग नहीं जे मिलदा। जोग नाम हुंदा परमेश्वर नाल जुड़न दा, पखंड नाल परमात्मा नाल मेल नहीं हुंदा, पखंड कीतियां परमेश्वर नाल मिलाप नहीं हुंदा। जिथे पखंड है उत्थे रब नहीं। चल मरदानिया ना इत्थे सौ ते ना सुहागण, इत्थे तां पखंड है। जिथे पखंड है उत्थे ना सौ ते ना सुहागण, ना रब ते ना कोई रब दा जोगी, जिथे पखंड है। पातशाह कहिंदे पखंड दे कीतियां जोग दी प्राप्ति नहीं हुंदी। समा बड़ा भयानक है कली काल दा, इत्थे पूजा ही पखंड दी हुंदी है। जिहड़ा छुर छुर रिहा जा करे ना, ना ना आ नहीं करना, आ नहीं करना, वह नहीं करना, आ नहीं करना, ना इनू हथ ना लाई, आ ना करी, वह ना करी, जिथे आ सब कुछ हुंदा ना उत्थे कहिंदे वाह जी वाह, रब ता है ही इत्थे। जिथे विखावा कीता जांदा, जिथे चंगा वधिया प्रदर्शन कीता जाए, उत्थे अज दे समें दे विच लोक कहिंदे आ रब है। जिथे रब हुंदा उत्थे विखावा हुंदा ही नहीं, बस उत्थे रब ही है। कोई आ जाए सब नूं गल नाल लाया जांदा। जिथे पखंड है उत्थे परमेश्वर नहीं। हाँ जी, सेवा नगरी मह आसन बैसे गुर शब्द जोग पाए। शिव नगरी आ जिथे तुसी बैठे हो शिव नगरी है। एक शिवजी भगवान जिसनू कहा जांदा उहदी भी नगरी है शिव नगरी। पर इत्थे जिस शिव नगरी दी गल गुरु अमरदास साहब कर रहे ने, शिव दा मतलब हुंदा जिथे शांति होवे वह नगरी। शिव नाम शांति दा है, टिका दा है। जिथे टिका होवे यानी कि सतसंगत, सतसंग नूं महाराज जी शिव नगरी कह रहे हैं। अक्सर बहुते लोग भुलेखा पा देंदे है जदों कलगीधर दे बचन पढ़े जाते हैं देहे शिवा बर मोहे है, तो वह शिवा नाम शिव जी नूं कहण लग पैंदे। ना भाई, जिवें इत्थे गुरु अमरदास साहब ने शिव नगरी की गल की ना, रब दे घर की गल की है, इस तरह उत्थे गुरु कलगीधर भी शिव नाम अकाल पुरख नूं कह रहे ने, अकाल पुरख मैनू ये वर दे। पातशाह इत्थे कह रहे ने शिव नगरी मह आसन बैसा, जेडे साध संगत विच आ के बैठदे आसन ला के। शिव नगरी दा इत्थे मतलब है सत संगत, साध संगत विच आ के जेडे आसन ते बैठदे ने। गुर शब्दी जोग पाई, इत्थे जदों गुरु का शब्द सुनदे ने, गुरु के उपदेश नूं सुनदे ने,
ते सतगुरां दे शब्द द्वारा तिन्हां नूं योग दी प्राप्ति हुंदी है। पखंड कीतिआं योग नहीं मिलदा, सत संगत विच आ के गुरु दा शब्द सुणिआ योग दी प्राप्ति हुंदी। परमात्मा दे नाल जिहड़ा मिलाप है, अभेदता है, वह गुरु दे शब्द द्वारा हुंदी है। सतसंग नूं शिव नगरी कहा, शिव नगरी मैं, यह शिव नगरी है, भाव जिथे शांति मिले, जिथे आके मन नूं टिकाव मिले, सकून मिले, यो नगरी है। इस नगरी विच आके सत संगत विच आके जिहड़े बैठदे आ और गुरु दा शब्द सुणदे, जिवें हुण तुसीं सुन रहे हो, गुरु अमरदास साहब दे बचन सुन रहे हो ना, इन्हां बचनां नूं सुन के, शब्द नूं सुन के योग दा पता लगदा भी योग की है। योग दा मतलब हुंदा जुड़ना, कि किवें परमेश्वर नाल जुड़ीदा, उस जोड़ दी, उस योग दी प्राप्ति हुंदी है। धातुर बाजी शब्द निवारे, नाम वसै मन आई। कहिंदे भाई जिहड़ी बाजी हत्थों निकलने वाली है वह काबू आ जांदी है। जदों अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर दा नाम मन चा के वसदा है। एहो शरीर सरवर है संतो, इशनान करे लिव लाए। महाराज जी कहिंदे शरीर दा तुसी बाहरले तीर्थां ते सरोवरां ते इशनान कराउंदे हो, एक इशनान यह भी समझ लो भी आ जिहड़ा शरीर है यह है सरोवर। यह शरीर की है? सरोवर, सरवर। हे संतो, इस सरोवर दे विच परमेश्वर दे नाम दा जल भरिया होया। आ शरीर सरोवर है, इहदे च निरंकार दे नाम दा पाणी है, जल है। नौने दे अमृत प्रभ का नाम देही मैं, इस देही दे विच है ना नाम, इहदे च नाम दा जल भरिया होया। नाम दे उस जल दे विच रज रज के इशनान करो। इशनान करे लिव लाई, लिव ला के ना अपने अंदर नाम नाल इहदे च इशनान करो। इस इशनान नाल भी भाई कल्याण होनी। इहनू सतगुरु गुरु नानक साहब ने जपजी साहब च कहा, अंतरगत तीरथ मल नहाओ। अपने अंदर दे इस तीर्थ विच मल मल के नहाओ, इशनान करो। ये नाम का तीर्थ है जो तुहाडे अंदर ही लगा होया। इस नाम दे तीर्थ विच महाराज जी कहिंदे इस नाम नाल लिव ला के, इहदे नाल सुरत जोड़ के इशनान करो। नाम इशनान करहै से जन, निर्मल शब्द मैल गवाए। जिहड़े इस नाम दे अमृत जल च इशनान करदे ने ओह जन निर्मल ते पवित्र ते शुद्ध हो जांदे ने। से जन निर्मल, उस जन निर्मल हो जाते हैं। शब्द मैल गवाई, सतगुरां दे शब्द द्वारा तिना की सारी मैल दूर हो जाती है। पाप कर्मा की मैल तिना दे अंदरों निर्विरत हो जाती है। गुण अचेत नाम चेत है नाहे, बिन नावे बिनस जाए। तिना गुणा च लगे बंदे नू रब चेते ही नहीं आता। त्रै गुण रजो तमो सतो गुण विच लगा होया है जीव, ते तिना गुणा विच लगे होए नू अचेत होए नू इनू नाम नहीं चेते आउंदा। बिन नाम है बिन सजाई, परमेश्वर दे नाम तो बिना फेरे जीव बिनस रहा मर रहा। ब्रह्मा बिसन महेश त्रै मूरत, त्रिगुण परम पुलाए। ब्रह्मा विष्णु महेश तीन गुणा दे देवते ने, अधि देव रजो तमो सतो गुण दे। ये जड़ियां त्रै मूरतां ने भी तिना गुणा दे विच ही ने ना, ये भी तिना गुणा दे भरम दे विच ही ने। ये तिना गुणा तो उपर नहीं हन, ये तिना गुणा दे विच ही हन, भरम च भुले होए। गुर प्रसादी त्रिकुटे छुटै,
चौथा पद लिबलाई गुरु की कृपा नाल जिन्हां दी त्रिकुटी छुट जांदी है जेड़े ध्यान ध्याता ते ज्ञान ज्ञाता गे प्रमाण प्रमाता परमेह कर्म करता किरिया ये जड़ियां त्रिकुटियां ने इन्हां तो जिहड़े रहत हो जांदे ने इस त्रिकुटी तो जेड़े छुट जांदे ने गुरु की कृपा नालों चौथे पद विच तुरिया पद विच तिना गुणा तो उपर जिथे तीन गुण नहीं व्यापदे जिथे त्रिकुटी नहीं व्यापदी उस चौथे पद विच तुरिया पद विच गुरमुख जन अपनी लिव लाउंदे हन पढ़ है पढ़ वाद वखाण है तिन्ना बूझना पाए जेड़े पंडित ने ओ पढ़ के झगड़ा ही करदे आ मैं चंगा दूजा कहिंदा मैं वधिया पढ़िया तीजा कहिंदा मैं ज्यादा वधिया पढ़िया आपस च लड़ी भिड़ी जांदे आ जदों ये पढ़े लिखे सज्जन विरले ने जेड़े बैठन ज्ञान गोष्ठी करन ते विच्चों कुछ निकलदा नहीं तां झगड़े ही हुंदे एक पढ़िया लिखिया कहिंदा मैं वधिया पढ़िया सही पढ़िया दूजा कहिंदा तू गलत है एक दूजे नूं गलत ठहराण वास्ते उकतां दलीलां दिंदे महाराज जी कहिंदे पंडित पढ़ पढ़ के वाद ही वखाणदे आ झगड़ा ही करदे आ तिना बूझ ना पाई तिना नूं बूझ नहीं मिली ज्ञान की सोझी नहीं हुई चानना नहीं होया उस चानने तो भी हुणे ही तुरे फिरदे हन देखिया माते परम पुलाए उपदेश कह है किस पाई विषयां विकारां विच मस्त होए भरम च भुले होए उपदेश कह है किस पाई लोकां नूं उपदेश दिंदे है ये पंडित लोग भाई फिर लोगों नूं कहदा उपदेश दिंदे जे आप ही नहीं चलते उपदेश कहें किस भाई फिर दूजे नूं कहदा उपदेश दिंदे आप तां तुसीं विशेयां विकारां च मस्त ते भरम च भुले होए हाँ जी भगत जना के उत्तम बाणी जुग जुग रहे समाए इदां दे पंडित जेडे किसे नूं उपदेश दिंदे आ फिर उहनां दे कहण दा कोई असर नहीं हुंदा किसे दे हिरदे ते ते जदों रब दे प्यारे भगत जना दी बाणी जिहड़ी उत्तम बाणी है वह किसे नूं बचन करदे आ ना तो किसे दे कहण दे नाल ही वह बचन उहनां दे हिरदिआं दे विच समा जांदे जुग जुग रही समाई वह जुगां जुगां विच फिर समाई रहिंदी आ उहनां दे हिरदिआं विच बाणी लागै सो गत पाए शब्द सच समाए जेडे सतगुरां दी बाणी नाल लगे हन ओही मुक्त हुंदे ऐ सतगुरां दे शब्द द्वारा ही परमेश्वर दे विच समाई हुंदी आ भेदता हुंदी है माया नगरे शब्द खोजे नाम नवंग निध पाए ए काया नगरी है सतगुरां दे शब्द द्वारा इहदे अंदर खोज करो खोजो इनू नगरी नू जदों इनू खोजोगे इहदे विच नौ निधियां दा नाम प्राप्त होवेगा नौ निधियां वाले नाम दी दात प्राप्त होवेगी मनसा मार मन सहज समाना बिन रसना उस्तत कराए पातशाह कहिंदे आ जदों मनसा मर जाए ते मन सहज समा जाए फिर रसना नाल भी नहीं जपना पैंदा बिना रसना तो हिरदे चो नाम जपया जांदा बिन रसना उस्तत कराई वेखो कैसी अश्चर्ज अवस्था असी जुबान नाल बोल के उस्तति करदे आ ना कहिंदे जदों कोई सहज समा जांदा है उहनां नूं जुबान तो बिना ही परमेश्वर दी उस्तति करन दा स्वाद आउण लग पैंदा हां जी लो एना देख रहे बिसमादी चित अदिष्ट लगाए कहिंदे नेत्रां नाल वेख के मैं विस्माद हो गया उस वाहिगुरु दे स्वरूप नूं मेरा चित उस अदृष्ट वाहिगुरु परमेश्वर दे चरणां नाल जा लगा है अदिष्ट सदा रहै निरालम ज्योति ज्योत मिलाए ओ वाहिगुरु अदृष्ट है ते सदा ही निरालम कहिए निरलेप रहिंदा संसार च वरतदा होया उसे दी ज्योति विच मेरी ज्योत मिल गई है गुरु ने कृपा करके मिला दिती है हाँ गुर साला ही सदा अपना ज
जिन साचे बोझ बोझाए। मैं अपने गुरु नूं सदा लई सलाउंदा हां, जिस गुरु ने मैनू सच्ची बूझ बुझा दित्ती है, सच्ची जानकारी दे दित्ती है। मैं अपने ऐसे गुरु तो बलिहार जावा, वारे वारे जावा। नानक एक कहे बेनंते, ना वो गत पत पाए। धन गुरु अमरदास साहब जी पातशाह फरमाउंदे, मैं एक बेनती करदा हां कि परमेश्वर दे नाम नाल ही जीव नूं मुक्ति मिलदी है, अकाल पुरख दे नाम नाल ही जीव नूं पत मिलदी है। गत भी ते पत भी परमेश्वर दे नाम नाल प्राप्त हुंदी। बिना परमेश्वर दे नाम तो ना मुक्ति होनी है, ना इज्जत मिलनी। गुरु अमरदास जी महाराज गरीब नवाज साहिब जी, आप जी दे पावन पवित्र अमृत बचना दी कथा करदियां होईयां अनेक प्रकार दियां फुल्लां चुक्कां दी खेमा करनी। धन गुरु अमरदास साहिब जी कृपा करियो, अगां वास्ते सदबुद्धि ते सुमत प्रदान करियो। साडा सारिआं दा गाविआ सुणिआ अपने चरणां विच पायो, थाए लायो, दरों करो नाम दियां दातां गुरसिखी जीवन, चढ़दियां कलां दियां दातां बख्शिश करियो, होईयां भुल्लां चुक्कां दी खेमा। वाहिगुरु वाहिगुरु, वाहिगुरु वाहिगुरु।